हेलो फ्रेंड्स, मैं सर शब्बीर हुसैन एंड यू आर वॉचिंग फिजी योर टॉक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने बैट सोर के ऊपर पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें हमने आपको बैट सोर के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में बताया हुआ है। उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कई लोग मुझसे बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि सर, कोई ऐसी क्रीम या ऐसा जेल बताइए जो हम बैट सोर के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करें, जिससे जो हमारा घाव है, जो हमारा बैट सोर है, वो जल्दी से जल्दी भर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन सवालों का जवाब देने वाला हूँ कि आपको अपने बैट सोर ट्रीटमेंट के अंदर कौन सा जेल यूज़ करना चाहिए ताकि आप अपने जो बैट सोर है और जो घाव आपको हुआ है उसको आप जल्द से जल्द भर सके। तो आज की वीडियो में हम आपको उस क्रीम के और जेल के बारे में बताएंगे, और साथ ही कोई एक हमारा लकी चैनल सब्सक्राइबर फिजियोटॉक की तरफ से जीत पाएगा इस जेल को। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आपको बताएं कि बैट सोर के लिए आपको कौन सा जेल इस्तेमाल करना चाहिए। उससे पहले बात करते हैं कि बैट सोर हमारे शरीर में किन किन एरियाज़ पर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, बैट सोर आपको हमारे शरीर पर उन एरियाज़ में देखने को मिलेगा जहां पर प्रोलोंग्ड इमोबिलिटी की वजह से जिन जिन जगहों पर स्किन के ऊपर फ्रिक्शन होगा वहाँ वहाँ पर आपको बैट सोर देखने को मिलेगा। तो जैसे हमारे शरीर के अंदर आपको हील्स के वाले पार्ट पर, बटक्स के ऊपर, लोअर बैक यानी कि सैक्रम रीजन में, साथ ही आपके जो हेड के पीछे वाला हिस्सा होता है, ये वो जगह हैं जब आप लेटते हैं या पेशेंट लेटा हुआ होता है प्रोलोंग टाइम पर बेड पर, तो ये एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बैट सोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बैट सोर ट्रीटमेंट के लिए आपको कौन सा जेल इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जिस जेल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सोरीज एडवांस जेल। ये सोरीज एडवांस जेल करता क्या है, जब आप इसको घाव पर लगाते हैं तो यह एक थिन ट्रांसपेरेंट ऑक्लूसिव लेयर आपके घाव के ऊपर बना देता है, आपके वुंड के ऊपर बना देता है। बेसिकली ये काम करता है सिलिकॉन इलास्टोमर की मदद से। सिलिकॉन बेस्ड इलास्टोमर्स करते क्या है, आपके घाव के साथ स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो मॉइस्चर है वो लॉक हो जाता है आपके घाव के अंदर, यानी कि मॉइस्चर लॉकिंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और जब घाव के अंदर मॉइस्चर लॉक हो जाता है तो ये मॉइस्चर आपके घाव को हील होने में, आपके घाव को भरने में मदद करता है। दोस्तों, बात करते हैं कि ये जो सोरीज एडवांस जेल है इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ये बना है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सेंटेला एशाइटिका, जिसको हम गोटूकोला भी कहते हैं, साथ ही कैलेंडुला लाइक नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स से मिलकर ये बना हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेगी जिसके लिए आपको बैट सोर के ट्रीटमेंट के लिए इस क्रीम का या इस जेल का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है, और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपको इस जेल के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों, ये जेल आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करता है। दोस्तों, ये जो जेल है सोरीज एडवांस जेल, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए स्किन फ्रेंडली है, यानी कि आप बच्चों से लेकर बड़ों तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी की स्किन के लिए फ्रेंडली है। इसमें ना तो किसी तरीके का अल्कोहल है, ना पैराबेंस है, ना कोई फ्रेग्रेंस है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, आपको पहले अपने घाव को क्लीन कर लेना है और फिर उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद जब आप घाव को ड्राई और क्लीन कर लें तो उसके बाद आपको ये सोरीज एडवांस जेल की एक पतली सी लेयर अपने घाव पर लगा लेनी है और इसको एक मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देना है, ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, और ये अपना काम करने लग जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया सोरीज एडवांस जेल करता क्या है और ये कैसे आपके घाव को भरने में मदद करता है। बेसिकली जो इसके अंदर सिलिकॉन इलास्टोमर्स हैं वो आपके वुंड के साथ, आपके बैट सोर के साथ स्टिक हो जाते हैं, जो कि मॉइस्चर को लॉक करने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये सोरीज एडवांस जेल मदद करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया सोरीज एडवांस जेल कैसे काम करता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये सोरीज एडवांस जेल आप परचेस करना चाहते हैं तो उसका एक मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और पिन कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इस सोरीज एडवांस जेल को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। दोस्तों, कोई एक हमारा लकी चैनल सब्सक्राइबर फिजियोटॉक की तरफ से जीत पाएगा इस सोरीज एडवांस जेल को। तो दोस्तों, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सोरीज एडवांस जेल की तीन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है।
दोस्तों एक हमारा लकी चैनल सब्सक्राइबर फिजियोटॉक की तरफ से जीत पाएगा सोरीज एडवांस जेल। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियोटॉक।